Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is 23 sources of working capital to run cash rich business. 23 sources working capital के क्या मतलब हुआ? देखो आप business run कर रहे हो, अब पैसों के बगैर तो business run नहीं हो सकता. पैसे का काम तो पैसे से होगा. मनी चाहिए, फंड चाहिए, कैश फ्लो चाहिए कैश रिच बिजनेस रन करने के लिए. तो अब जो बिजनेस है वहां पर फंड मनी किस तरह से अरेंज होगी? मैंने आपसे कमिटमेंट की थी ना कि आपके लिए एक स्पेसिफिक सेशन में लेके आने वाला हूं जहां पर हम 23 सोर्सेस की बात करेंगे कि ये पैसा आखिर बिजनेस को रन करने के लिए आएगा कहां से. तो आज वही सेशन है जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. तो चलिए, सबसे पहला, बिजनेस के अंदर जो मनी अवेलेबल होती है और जो पैसा बिजनेस में आने का और किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो कि बिजनेस का काम है वो है एडवांस फ्रॉम कस्टमर. एडवांस फ्रॉम कस्टमर की साइंस को आपने समझ लिया ना, तो समझ लो कि बिजनेस अब ऑटो पायलट मोड के ऊपर चला गया है. द टर्म एडवांस फ्रॉम कस्टमर रेफर टू मनी कलेक्टेड बाय योर बिजनेस प्रायर टू प्रोवाइडिंग. क्या वर्ड है? प्रायर टू प्रोवाइडिंग योर प्रोडक्ट और दी सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर. बिगेस्ट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है ये. आप कह रहे हो नहीं 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 आ पाता जगमोहन, नहीं आ पाता. तो उसके लिए ना एक बार आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना. कौन सी? प्री रिक्विजिट एंड स्ट्रेटजीज टू गेट एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर. क्यों देंगे कस्टमर आपको एडवांस पे? उसके लिए मैंने एक सेपरेट सेशन भी क्रिएट किया है पॉइंट नंबर वन के लिए. तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक एक हमने ना स्ट्रेटजीज की बात की है. तो टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कैश तो मॉडल करके भी तुमने दिखा दिया कि ऐसा. यस, अब ये कहां पर अवेलेबल है? पॉइंट नंबर वन की डिटेल में अगर आपको जाना हो सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? तो आप चले जाना जीएसए ऑनलाइन के अंदर. तो जीएसए ऑनलाइन के अंदर जैसे आप चाहोगे तो यहां पर लॉगिन करना है आपने. अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना. लॉगिन करके अपनी आईडी पे क्लिक करके और जहां पर मैंने मेंशन किया ना एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कहां पर है वो? जो 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के सेशन मैंने रिकॉर्ड करके आपके लिए रखे हुए हैं, तो यहां सब कुछ आपको मिल जाना है. और भी मौका मिले तो अदर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो देखना. बट द पॉइंट हियर इज यहां पर सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर. एडवांस फ्रॉम कस्टमर सारी की सारी स्ट्रेटजीज आपको मिल जाने वाली है. तो मैंने आपसे बात करते करते पहले होम पेज पर गया और यहाँ पर जीएसए ऑनलाइन जो आपके लिए खजाना है अपने बिजनेस को कैश रिच रन करने के लिए, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. तो आपने क्या किया यहाँ बड़े इजीली इस वीडियो को आपने देख लेना है. ये 27 मार्च 2021 सैटरडे को मैंने रिकॉर्ड किया था हाउ टू गेट एडवांस पेमेंट. इस सेशन के अंदर प्री रिक्विजिट और स्ट्रेटेजी आप लर्न करेंगे. क्यों देगा कस्टमर आपको? क्यों देगा भाई? क्यों देगा कस्टमर आपको एडवांस में पेमेंट? क्या स्ट्रेटेजी, क्या पॉलिसी, क्या तरीके, किस तरीके से आप मेंशन करने वाले हो? तो क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको पॉइंट नंबर वन के अंदर टॉपिक क्या है हमारा? 23 सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये हमारा टॉपिक है. इस टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पॉइंट को दी गई है? जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनके लिए मैंने बता दिया कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर लेना पहली चीज है. तो एक वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसको आप जीएसटी ऑनलाइन पे जाकर देखने वाले हो तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी. दूसरा क्या है? बिल डिस्काउंटिंग, यानी कि आपने इनवॉइस रेस कर दिया कस्टमर को. कस्टमर कहता है कि मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, मुझे क्रेडिट टर्म चाहिए, मुझे 30 डेज में पेमेंट करूंगा. जैसे हल्दीराम को आप पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करते हो, हल्दीराम को पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करते हो, आपने मैन्युफैक्चर करके रेडी करके ऑर्डर के हिसाब से उसको पैकेजिंग मटेरियल थैले पॉलिथिन सब भेज दिया उसको, लेकिन पॉलिसी हल्दीराम वालों की, वो कहते हैं कि हम 45 डेज से पहले पेमेंट नहीं करते. तो क्या करें? बिल डिस्काउंटिंग.
कौन करेगा बिल डिस्काउंटिंग? आपका अपना बैंक, जहां पर आपका करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट, जहां से आप बैंकिंग करते हो, उस बैंक को अप्रोच करो कि देखो जी मेरा एक कस्टमर है, उसका नाम है हल्दीराम, मैं उसको पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करता हूँ, उनकी पेमेंट हम 45 डेज की है, तो क्या आप बिल डिस्काउंट कर दोगे मेरा? उसके लिए बैंक के अपने प्रोसेस है, रूल्स है, रेगुलेशन है, और इंटरेस्ट लगता है। आज आपने इनवॉइस रेज किया और बैंक ने उसी समय उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट कर दी, और जब हल्दीराम पेमेंट करेगा आपको, तो वो पेमेंट जो आपने ऑलरेडी बिल डिस्काउंट किया था उसमें से एडजस्ट हो जाएगी। जितने समय तक आपने वो पैसा यूटिलाइज किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, 7.1 और 7.2 और 7% विच एवर इज देयर। बट द पॉइंट हियर इज कि आपका तो इनवॉइस रेज करते समय उसी समय बिजनेस के अंदर पैसा आ गया। बिजनेस तो मनी के साथ भी रोटेट करता है। आपको सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिलों की पेमेंट करनी है, तो क्या तरीका मैंने आपको बताया? बिल डिस्काउंटिंग का। बिल डिस्काउंटिंग जो जो कंपनी के कैश फ्लो मैनेज करते हैं ना, उसका सबसे वर्ल्ड क्लास तरीका क्या है कि आपके पास पैसा आता है, यानी कि एक तालाब में ठहरता है, पैसा आता है, अब उसको आप यूटिलाइज करते हो आगे पेमेंट्स करने के लिए। सप्लायर को पेमेंट कर दी 4 बैंक अकाउंट के हिसाब से, उसमें से आपने एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर दिया, उसके लिए आपने एक पोर्शन जो है वो कैश रिजर्व में भी ट्रांसफर किया, तो पैसा मेरे पास अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज करता हूँ। मोस्टली ये देखा गया है जो बिजनेस ओनर्स बिजनेस कर रहे हैं वो ना फ्यूचर कमिटमेंट के ऊपर चल रहे हैं। सेल कर दी है, अच्छा पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, और जिस सप्लायर से आपने परचेज किया उसको बोला कि ठीक है आपको ना हम 24 जुलाई को पेमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई को मेरी पेमेंट आने वाली है। उसने कहा ठीक है, उसने 24 जुलाई के हिसाब से अपनी आगे की अरेंजमेंट कर ली। इधर आपको वो 22 जुलाई की पेमेंट आई नहीं पेमेंट, कस्टमर से डिले हो गई, उसने कोई ना कोई बहाने मार दिए, चेक साइंड है लेकिन अभी कोरियर नहीं कर पाए, अभी 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 चेक बन गया है, लेकिन ना जाने कैसे कैसे कलेक्शन के पॉइंट आते हैं। पैसा हमारे पास आया भी नहीं था, नहीं आया था पैसा, और हमने आगे सप्लायर को कमिटमेंट कर दी। और आप इतने ज्यादा इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट और शरीफ इंसान है कि किसी को आपने शब्द दे दिया, इधर से पेमेंट नहीं आई, उसको आपने बोल रखा है, जैसे ही उसने आपको किसी पॉइंट के ऊपर ट्रिगर किया, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची, पैसे बिजनेस के अंदर डाले, सप्लायर को पेमेंट कर दी, आपने बैंक से लोन लिया, पैसे इकट्ठे किए, सप्लायर को पेमेंट कर दी, आपने अपने फादर से, रिलेटिव से या दस्ती कैश पैसे उठाए और सप्लायर को पेमेंट कर दी, क्योंकि आप तो इंटीग्रिटी वाले हो, आप कहते हो दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। इधर कस्टमर आपको पेमेंट कर नहीं रहा, इधर सप्लायर की पेमेंट आप रोक सकते नहीं, रोकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का पॉइंट है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करना नहीं चाहते। और ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली धीरे धीरे पता नहीं अलग अलग मूवमेंट के ऊपर ना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट होता चला जा रहा है। एफडी टूट के बिजनेस के अंदर चली गई है, एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसियां जो आपने करवाई हुई थी उसके अगेंस्ट में भी लोन लेकर वो भी पैसा बिजनेस के अंदर है। वो जो बड़े प्यार से आपने और आपकी वाइफ ने या वाइफ और हस्बैंड ने मिलकर एक प्यारा सा एक अलग से एडिशनल सेकेंड होम परचेज किया था आपने बैकअप के तौर पर, वो भी एज ए कोलेटरल आपने बैंक को देकर उसके अगेंस्ट में भी लोन लेकर चल पैसा बिजनेस के अंदर डाल दिया है। और वो पैसे कहाँ पर पड़े हुए हैं? सारे पैसे कस्टमर से रिसीवेबल के अंदर पड़े हुए हैं। कोरोना आया, उसने तो एक नई कहानी दे दिया, भाई साहब क्या करें, डेटर सब आपके डिस्प्यूटेड लॉन्ग टर्म के अंदर चले गए हैं, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, पैसा वहां पर पड़ा हुआ है, तो क्या कर रहे हो? यानी कि सेकंड पॉइंट को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपने इनवॉइस रेज कर दिया, सामने वाला पेमेंट नहीं कर सकता, तो आप अपने बैंक से बिल डिस्काउंटिंग करवा लो और पैसा आपके पास हो अकॉर्डिंगली सप्लाई करो। अब कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि आप बिल डिस्काउंटिंग करवाते हो, अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में बिजनेस कर रहे हो। आपने कहा समझ आ गया जगमोहन, बिल डिस्काउंटिंग इज द सेकंड वे ऑफ अरेंजिंग द वर्किंग कैपिटल। तीसरा क्या है बताता हूं मैं। अब चलते हैं बिल डिस्काउंटिंग के बाद, पहला क्या था? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। दूसरा क्या है? बिल डिस्काउंटिंग। तीसरा है ट्रेड क्रेडिट, यानी कि सप्लायर जो सप्लायर है
उससे आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर कस्टमर आपका क्रेडिट देता है 45 डेज का, तो आपको सप्लायर से कम 46 डेज का, यानी कि जितने देर में पैसे आते हैं उससे कुछ दिन ज्यादा ही होने चाहिए आपकी ट्रेड क्रेडिट को। ट्रेड क्रेडिट इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फाइनेंसिंग विच ए कस्टमर इज अलाउड टू परचेज गुड्स और सर्विसेज एंड पे टू द सप्लायर एट ए लेटर शेड्यूल डेट। सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या हुआ भाई, उधारी पे माल खरीदना, तो वर्किंग कैपिटल कंपनी के अंदर उधारी पे माल खरीद के, लेकिन पेमेंट हमने विद इन ड्यू डेट करनी है। तो ये आपकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ले लिया आपने, नेक्स्ट क्या है, अनपेड इन्वेंटरी, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। दूसरा क्या है, बिल डिस्काउंटिंग। तीसरा क्या है, ट्रेड क्रेडिट। चौथा क्या है, अनपेड इन्वेंटरी। इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करो, आपने जो भी मटेरियल परचेज किया हुआ है ना, जब उसकी पेमेंट देने की बारी आती है, मान लो 30 डेज से पेमेंट करनी होती है, अब आपको इंश्योर करना है कि जो माल आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया या फिनिश गुड्स खरीद लिया, जो ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो ये मटेरियल कंज्यूम होके बिक जाना चाहिए, कंज्यूम होके बिक जाना चाहिए, और उसके पैसे आ गए और आपने उसको पे कर दिया। तो इन्वेंटरी किसी भी टाइम के ऊपर आपकी हो, वो अनपेड इन्वेंटरी होनी चाहिए। तो फार्मूला क्या यूज करोगे, जितने अमाउंट की टोटल इन्वेंटरी आपके पास पड़ी हुई है ना, उतने ही अमाउंट के सन्डरी क्रेडिटर्स आपकी किताबों में स्टैंड कर रहे हैं। देखा, थंब रूल दे दिया। एक बिजनेस ओनर है जो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, किसको, अनपेड इन्वेंटरी को। कहता मुझे बिजनेस के अंदर कभी वर्किंग कैपिटल मैनेज करने की दिक्कत ही नहीं आई। मैंने कहा क्यों नहीं आई, कहता है कि हमेशा मैंने ऑपरेट किया है अनपेड इन्वेंटरी के फार्मूले के बेसिस के ऊपर। ये एक थंब रूल है जिससे कि हमेशा मेरे पास मनी की प्रचुर भरपूर अवेलेबिलिटी रहती है। लेकिन पेमेंट मैं दोबारा से आपको याद करा रहा हूं, पेमेंट आपने विद इन ड्यू डेट ऑन टाइम पे करनी है। तो ये चौथा तरीका है। तो 23 में से बाकी तरीके कौन कौन से हैं, जगमोहन वो भी बता दो। पांचवा तरीका है मर्चेंट कैश एडवांस। ये क्या होता है, मर्चेंट कैश एडवांस का मतलब है कि आप की मान लीजिए रिटेल शॉप है और आपकी दुकान के ऊपर क्रेडिट कार्ड की मशीन लगी हुई है, कस्टमर आते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके आपको पेमेंट करते हैं, जनरली गारमेंट्स के अंदर ऐसा ही होता है। तो जिस कंपनी की मशीन आपके पास लगी हुई है ना, वो कंपनी क्या बोलती है कि आप हमसे एक लमसम पैसा ले लो, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन दी कितनी आपकी टर्नओवर है। तो पास्ट की आपकी क्रेडिट कार्ड की मशीन के ऊपर क्रेडिट में कितनी सेल होती है, बहुत सारे आउटलेट्स हैं जिसके ऊपर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, रिटेल आपने शोरूम खोल रखे हैं, तो वर्किंग कैपिटल के रूप में लमसम वो पैसा दे देते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, और आपको उसको चुकाना भी नहीं होता। चुकाना होता है यानी कि अब जो फ्यूचर में डे बाय डे सेल होगी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसी में से जो आपने एक लमसम पैसा ले रखा है माइनस होता चला जाएगा, है ना। कितना बड़ा आपके पास सोर्स आ गया, मर्चेंट कैश एडवांस का। तो इस एरिया के बारे में जब मैं बिजनेस ओनर से बात करता हूं तो नहीं पता था। पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप इसको ले सकते हो। क्या बात की हमने, मर्चेंट कैश एडवांस की। तो सिक्स नंबर क्या है, बिजनेस क्रेडिट कार्ड, लेकिन बहुत वाइजली इस्तेमाल करना है। बिजनेस के नाम से एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, बिजनेस का सेपरेटली। अगर एक कंपनी है तो एक क्रेडिट कार्ड, अगर आपकी ग्रुप कंपनियां हैं, एक से ज्यादा कंपनी है, तो कंपनी वाइज बिजनेस के क्रेडिट कार्ड होंगे, क्योंकि उसमें 30-50 डेज तक की आपको पेमेंट करने की क्रेडिट की लिमिट मिल जाती है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको मालूम ही है कि ट्रेवल के खर्चे क्रेडिट कार्ड से करते हो, बहुत सारी चीजें आप बाहर से इम्पोर्ट करते हो उसकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, डिजिटल मार्केटिंग के खर्चे होते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, गूगल एड और जाने कौन से खर्चे हैं वो वहां से करते हो, कई तरह की आइटम जो है बाहर से इम्पोर्ट होती है या विद इन इंडिया भी होती है, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप स्वाइप करके या नंबर डाल के वहां से बाय करते हो। बिजनेस के नाम से है तो कार्ड की लिमिट 5 लाख, 50 लाख, जितनी भी आपकी है, एक या दो से क्रेडिट कार्ड है, उसको अकाउंट चेकलिस्ट के हिसाब से जब भी उसकी पेमेंट की बारी आती है फुल पेमेंट करके आप उस पैसे के साइकिल को रोटेट करते हो, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल की अरेंजमेंट होती है। साइंटिफिकली अगर अभी तक आप बिजनेस के क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे और पूरी तरह से डिपेंडेंट हो सिर्फ और सिर्फ बैंक से जो आपने लोन ले रखा है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते चले जा रहे हो,
तो यानी कि राइट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो बिजनेस के क्रेडिट कार्ड को आपने रोटेट किया उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा, क्योंकि आप इसको वाइजली इस्तेमाल कर रहे हो। किसको कर रहे हो? बिजनेस के क्रेडिट कार्ड को। सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री लेना, किससे? अपने डीलर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, ज्वाइंट वेंचर पार्टनर से, अपने बिजनेस एसोसिएट से, इवन अपने कस्टमर के साथ में जो आपके साथ में बिजनेस करते हैं, उनको बोलो ठीक है कि हम आपको डीलर अपॉइंट करते हैं और आपको 5,00,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, वो इंटरेस्ट फ्री है, और ये 5,00,000 एडजस्टेड अगेंस्ट दी गुड्स एंड मटेरियल है जो हम आपको टाइम टू टाइम सप्लाई करते रहेंगे। एट दी एंड जब भी आप डीलरशिप छोड़ते हो तो पैसों में वापसी नहीं होगी, माल में ही वो एडजस्ट होने वाला है, सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री। जिन्होंने इसकी पावर को समझ लिया है ना, उनके पास अबंडेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल का पैसा हमेशा अवेलेबल रहता है, नहीं तो बैंक की लिमिट के ऊपर ब्याज भर भर के परेशान है बिजनेस ओनर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? इनवॉइस फैक्टरिंग। अब इनवॉइस फैक्टरिंग क्या होता है? इसके अंदर ना आप किसी बैंक की कंप्लीट सर्विस ले लेते हो। आप बैंक को बोलते हो कि मैंने तो सेल कर दिया है, लेकिन अब उस कस्टमर से पैसा लेना आपकी जिम्मेदारी है। आप इनवॉइस बनाते जाओ, बैंक को ट्रांसफर करते जाओ। बैंक का एक कलेक्शन सर्विसेज होती है जिसके बदले में वो कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं। जनरली जब आप ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में अपना नेटवर्क फैलाते हो, बिजनेस को बड़ा करते हो, स्केलेबल बिजनेस करते हो, तो खुद कलेक्शन करने की जगह आप बैंक्स जैसे HSBC, HDFC, ICICI ये सभी बैंक आपको कलेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि बैंक स्पेशलाइज्ड है, वो जानता है कस्टमर को, और उनका कई बार सेम बैंक में अकाउंट भी होता है, तो कस्टमर के पैसे उनके अकाउंट के अंदर आ गए और आपको कलेक्शन करने की कोई टेंशन नहीं है, मात्र एक लिमिटेड सी कलेक्शन चार्जेस लगते हैं। कल को बैड डेब्ट होते हैं तो उसके अंदर भी एक इंश्योरेंस का क्लोज होता है जो इस तरह से कलेक्शन करने वाले बैंक यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड काम हो जाता है। जनरली ये काम शुरू किया था जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आई तो उन्होंने कहा कि हम ये कलेक्शन का काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने बैंक्स को आउटसोर्स कर दिया, और अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ये काम फेमस हो चुका है। और टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको? इनवॉइस फैक्टरिंग। तो क्या हुआ, इधर से आपने इनवॉइस रेस किया, अब बैंक अपने आप कलेक्ट करता रहेगा, जितने का इनवॉइस रेस किया उसका 80% पैसा उसी समय बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है, तो आप अपना मनी वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट हो गया, है ना अमेजिंग। आठवां तरीका 23 तरीकों में से। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर 9 कहता है पैकिंग क्रेडिट, यानी कि आप एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके हाथ में कंफर्म एक्सपोर्ट का ऑर्डर है। जिन लोगों के हाथ में कंफर्म्ड एक्सपोर्ट का ऑर्डर हाथ में होता है, बैंक उनको उस ऑर्डर के अगेंस्ट में एक अमाउंट लिमिट प्रोवाइड कर देता है कि आप अपने सप्लायर से इंडिया में बाय कर सकते हो। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 3%, 4%। वैसे बैंक के ऊपर लोन का इंटरेस्ट का रेट क्या है? 7, 8, 9, 10, 11% है, लेकिन पैकिंग का रेट, तो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है एक्सपोर्ट को, उन्होंने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप पैकिंग क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करो एक्सपोर्टर्स को। इसको अगर अभी भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो और एक्सपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल का ये टूल है आपके लिए। किसका? पैकिंग क्रेडिट का। 10th पॉइंट क्या है? बैंक क्रेडिट। देखो, बैंक क्रेडिट यानी कि बैंक से लिमिट लेनी है। हम पहले दिन ही बैंक की तरफ भागते हैं, मैं तो 10वें नंबर पे बैंक की तरफ गया। ठीक है, बैंक जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जो बैंक आपको कैश क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये भी तो वर्किंग कैपिटल का सोर्स है। मेरा ये मानना है कि इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। फाइनेंस आपको पहले 9 तरीकों से अरेंज करना चाहिए। तो फिर बैंक क्रेडिट के बाद नेक्स्ट तरीका क्या है, चलते हैं। टर्म लोन। बिजनेस प्लान आपने बना लिया, बिजनेस प्लान के हिसाब से अब आपको मालूम है कि इतना पैसा तो बिजनेस में इन्वेस्ट होने ही वाला है, कहां से आएगा पैसा, तो प्री प्लान्ड है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे नहीं कि डेटर्स आपको पेमेंट नहीं कर रहे और उठा के आपने टर्म लोन ले लिया।
आपके पास इन्वेंटरी बिकनी नहीं, रोज रोज के खर्चों को पूरा करने के लिए आपने कहा कि चलो उठाओ एक टर्म लोन वहां से करो, ये भी फंस जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ सिस्टम फंस जाएगा। टर्म लोन हमेशा बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली होना चाहिए और उसका एक फिक्स अमाउंट ऑफ ईएमआई बन गया, और आपको मालूम है कि इतनी टर्नओवर आप महीने की करते हो, ये आपका जीबी मार्जिन है, ये आपका एनपी मार्जिन है, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, कैश फ्लो के हिसाब से बड़े आराम से मैं ईएमआई का अमाउंट निकाल पाऊंगा। और ये जो टर्म लोन का अमाउंट है, 3 साल का आपने टर्म लोन ले लिया और बिजनेस में, क्योंकि पैसा तो चाहिए भाई, काम करना है तो पैसा चाहिए। मान लीजिए आप बैटरी सेल करना चाहते हैं तो 10, 20, 50, 100 बैटरियों का स्टॉक तो रखोगे अपने पास, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए थी। और बिजनेस प्लान ये कहता है कि इतनी बैटरियां आप हर महीने बेच सकते हो, इतना प्रॉफिट आपको बचेगा, तो इंस्टेड की हर चीज के लिए बैंक से सीसी और ओडी लिमिट लेना, जहां पे लालच आता है हमें, क्या लालच आता है कि भाई जितना इस्तेमाल करेंगे वर्किंग कैपिटल लोन को, सीसी लिमिट को, उतना ही तो ब्याज लगेगा, टर्म लोन में तो फिक्स लगेगा। ये सोच गलत है। आप देखो जो सीसी लिमिट आपने ले रखी है, कभी ऐसा होता है कि उसको यूज नहीं कर रहे होते आप? ये पूरी टच कर रखी होती है, एकदम बॉर्डर किस कर रही होती है, एकदम टॉप पे जाके, और कभी कभी ऐसा मौका आया ही नहीं है, नहीं आया मौका जहां पर आपने लिमिट को खत्म कर दिया हो। आया आपकी लाइफ के अंदर? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो। जिनकी लाइफ के अंदर ये मौका नहीं आया, तो वो सीसी लिमिट ना होके टर्म लोन हो गई। अगर पहले दिन से टर्म लोन मान के सोचा होता तो टर्म लोन जो होता है ना वो एक दिन खत्म हो जाता है, एक दिन खत्म हो जाता है, डेब्ट फ्री हो जाते हो। सीसी कभी खत्म ही नहीं होती है, पड़ी रहती है वहीं पर ही, यूटिलाइज करते हैं, हैबिट्स को खराब कर देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिएट रियल एस्टेट। वर्किंग कैपिटल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे बिजनेस आप करते चले जा रहे हो, जो कलेक्शन आती है उसमें से कैश रिजर्व क्रिएट होता है, कैश रिजर्व को लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो। फायदा क्या है? कल को जब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये एडिशनल रियल एस्टेट एज ए कोलेटरल आपके काम आएगा, कोलेटरल काम आएगा। सेल करना पड़ा तो सेल भी कर देंगे, क्या पता उस रियल एस्टेट के अंदर प्राइस इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टियों के रेट तो बढ़ते ही हैं, लैंड तो सीमित है, डिमांड अनलिमिटेड है। पहले भारत की पॉपुलेशन 30 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर 90 करोड़, आज 100 करोड़, 130 करोड़, बढ़ती चली जा रही है, इंडिया की बात कर रहा हूं। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रियल एस्टेट के प्राइस तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, फिर लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, किस तरह से है। तो आप इसको ना, रियल एस्टेट को अपनी पैसिव इनकम का एक सोर्स मान के चला करो। ठीक है, आप क्रिप्टो करेंसी लेते हो, बिटकॉइन लेते हो, लो कभी वो चढ़ता है कभी गिरता है, आप इक्विटी मार्केट में डील करते हो, आप डेरिवेटिव करते हो, आप फ्यूचर करते हो, ऑप्शन करते हो, कमोडिटी करते हो, आप शेयर मार्केट के धुरंधर हो, आप इंडेक्स फंड के अंदर भी डील करते हो। आपको मालूम है कि शेयर मार्केट के अंदर जो फॉरेन यूएस के स्टॉक को कैसे बाय करना है, लेवरेजिंग कैसे करनी है, हेजिंग कैसे करनी है, और शेयर मार्केट के अंदर तो आप राजा हो राजा। जब मार्केट ऊपर गई नीचे गई, किस समय पर आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाने हैं, बड़ा मजेदार खेल है, हम भी करते हैं ये वाला खेल। बट दैट डज नॉट मीन कि आप सबको यही समझाते रहते हो कि कुछ नहीं होता जी रियल एस्टेट के अंदर, मिलता क्या रियल एस्टेट के अंदर, पैसे लगाने हैं तो म्यूचुअल फंड में लगाओ, स्टॉक में लगाओ। ना, बैलेंस मेरे दोस्त, बैलेंस बैलेंस, 25% इक्विटी रिस्की फंड, 25% सेफ फंड, एफडी भी इंपॉर्टेंट है। कई सारे मैंने देखा है फाइनेंशियल कंसल्टेंट पता नहीं क्यों बोलते चले जा रहे हैं कि एफडी में लगाना तो पाप है, एफडी में लगा दिया तो हे मेरे भगवान जुर्म कर दिया। एफडी में भी कोई लगाता है आज की यंग जनरेशन? उनको पता ही नहीं है स्ट्रेटजी, एफडी की स्ट्रेटजी क्या होती है। कई बार तो मुझे हंसी आती है, और यहाँ वहां से सुन के उन्होंने ये कर दिया कि एफडी एकदम जहर है, उसमें लगाना नहीं चाहिए। वो लॉजिक क्या देते हैं? एफडी के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और उसके ऊपर भी वो आपकी इनकम में ऐड होता है। इनकम में ऐड होगा तो 5% के ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा, यानी कि नेट तो आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो इन्फ्लेशन रेट 6% का है, तो अगर इन्फ्लेशन रेट 6% का है और आपने 3.5% कमाए, तो एफडी करा के आप तो अपने बिजनेस का लॉस कर रहे हो, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि 25% रिस्की बूस्टर लगाना आता है हमें, 25% सेफ, यानी कि कल को जब प्रॉपर्टी की डील आती है ना, तो यही एफडी
हमारे लिए अमेजिंग काम करते हैं। 7 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 करोड़ में कैसे खरीदते हैं, ये एफडी की ताकत है। 7 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 करोड़ में कैसे खरीदते हैं, ये एफडी की ताकत है। वो 2 करोड़ जो हमने एडिशनली डील मार के सेट कर लिए, उसका क्या, वो जो 2 करोड़ कमाए उसका क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 3.5 x 27 35% की ROI आ गई इसके ऊपर। कैश इज किंग। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक चीज के ऊपर बेस्ड हो जाओ कि रियल एस्टेट में नहीं करना चाहिए। बायस्ड कैसे हो जाते हो आप, बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेसमैन वालों समझ लो, वेयर हाउस में इन्वेस्ट करो, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करो, ऐसी लोकेशन के ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट करो, क्रिएट करो रियल एस्टेट को जो कि बैकअप का काम कर रही है। क्या लिखा मैंने, एज ए बैकअप, इट वर्क्स एज ए वंडर फॉर बिजनेस टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल। बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेसमैन को तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल की प्राइम एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर रहे थे। कौन कर रहे थे, बिजनेस ओनर। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट साधन है। कमेटी चिट फंड, भाई आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हो, किसी चिट फंड के अंदर अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो वंडरफुली वर्क करता है अगर वो चिट फंड आपने बड़े ही क्लोज रिच बिजनेस ओनर के सर्कल के अंदर डाली हुई है जो कि लाइक माइंडेड है, क्योंकि उस केस के अंदर कभी पैसों की दिक्कत आती ही नहीं है। कभी आपकी कमेटी निकल जाती है तो कभी दोस्त की निकल जाती है, तो आपको जरूरत है तो दोस्त आप ही को दे देता है। तो बुरे और अच्छे वक्त के अंदर कमेटी जो है ना, बहुत चिट फंड अमेजिंग तरीके से आपकी हेल्प करता है। एनबीएफसी के साथ में टाइप करो, मैंने बोला था ना एक एनबीएफसी मनीकरण फाइनेंस के नाम से, मैंने एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, कस्टमर को सेल कर दो, अब कस्टमर कहता है कि मैं आपको पेमेंट अपफ्रंट नहीं कर सकता, आपने कहा मनीकरण फाइनेंस से दे दो पेमेंट। मनीकरण फाइनेंस को पेमेंट करते रहना, चाहे 6 इंस्टॉलमेंट में कर देना, चाहे 12 इंस्टॉलमेंट में करना, 9 इंस्टॉलमेंट में करना, 3 इंस्टॉलमेंट में करना, आपको मनीकरण वाले एनबीएफसी कंपनी अप फ्रंट पेमेंट दे देंगे। अप फ्रंट पेमेंट आपको दे दी उन्होंने, और आप कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट फ्री, कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट फ्री 6 इंस्टॉलमेंट के अंदर एनबीएफसी कंपनी को पेमेंट करेगा, यानी कि वो इंटरेस्ट कोस्ट आपने बियर कर ली, इंस्टेड की डेटर्स के पास पैसा पड़ा रहे। अगर थोड़ा कट कटा के आपको मिल जाता है एनबीएफसी कंपनी से तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां एक्सपर्ट होती है कस्टमर से पैसा लेने के लिए, उनका तो काम ही यही है, सर्कल है, प्रोसेस है। तो आप देखो, आप किसी एनबीएफसी कंपनी से अपने प्रोडक्ट को फाइनेंस करवाने जा रहे हो क्या? एसेट रीफाइनेंसिंग, एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ऑलरेडी 20 करोड़ 25 करोड़ 35 करोड़ है, लेकिन आपने 2 करोड़ रुपए का उसके अगेंस्ट टर्म लोन ले रखा है, बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, रिक्वायरमेंट पड़ी आपकी, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर वहां पर पड़े हुए हैं। बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी और अदर एस्पेक्ट्स हैं जहां से टर्म लोन, लेकिन बड़े वाइजली इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं तो रिकमेंड करता हूं डेब्ट फ्री बिजनेस को रन करने के लिए। तो एसेट रीफाइनेंसिंग आपके वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सोर्स साबित होने वाला है। कौन सा? एसेट रीफाइनेंसिंग, जो कि ऑलरेडी फाइनेंस है उसके ऊपर टॉपअप करना, वाइजली इस्तेमाल करना। टैक्स के रिफंड के अंदर तो पैसा नहीं फंसा हुआ, जीएसटी का आप गारमेंट्स में डील करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट के चक्कर में रिवर्स मैकेनिज्म के हिसाब से रिफंड ही फंस जाता है। तो क्वार्टरली बेसिस पे रिफंड अप्लाई करते जाओ और एक ऐसा सर्कल बना दो कि आपको पता लगे कि जो रिफंड आना है वो क्वार्टरली आ ही जाए, ताकि आपकी वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग हो जाए। नहीं तो 1 साल 2 साल 3 साल रिफंड आ ही नहीं रहा, सारा प्रॉफिट तो है वो चला गया है, फंस गया है किसके अंदर, टैक्स के रिफंड के अंदर। तो क्या सुजेस्ट कर रहा हूँ, टैक्स के रिफंड को सीए और अकाउंटेंट के साथ में बैठ के इसको रिदिमिक एक्टिविटी बना दो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर रिफंड आप फाइल करते रहो। सिमिलरली इनकम टैक्स का रिफंड क्यों पेंडिंग है इतने टाइम से, क्यों पेंडिंग है, क्यों नहीं एक्शन ले रहे उसके ऊपर, वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट कर रहा है, टीडीएस आपका कट जाता है तो रिफंड आना चाहिए ना आपको। अगर TDS आपका कटता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सारी वर्किंग कैपिटल TDS में फंस जाती है। फॉर एग्जांपल एक मैन पावर सप्लाई कंपनी है और मैन पावर सप्लाई कंपनी का 10% TDS कट जाता है। अब मैन पावर सप्लाई कंपनी क्या करती है, वो बोलती है कि जितनी सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, सिक्योरिटी गार्ड की जितनी सैलरी है उसके ऊपर वो सिर्फ 6% मार्जिन लेती है। तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 10,000 रुपए की,
6% मार्जिन 600 रुपए का, उसने 10,600 रुपए का बिल बना के बेच दिया कस्टमर को। अब कस्टमर क्या करेगा, टोटल पेमेंट तो कंपनी को कर रहा है तो 10% टीडीएस काटेगा। अरे मार्जिन ही 6% था और सामने वाले ने 10% टीडीएस काट लिया फुल अमाउंट के ऊपर। अब सेक्शन ही ऐसा है, क्या करें, मान लो काट लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको हर बार इनकम टैक्स में रिफंड अप्लाई करना पड़ता है। आपको मालूम है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक प्रोविजन है कि आप अपने ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हो लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस के ऊपर। आप बोलोगे पिछले 2 सालों से हर बार रिफंड ही क्लेम करता हूं, तो मेरे केस के अंदर मुझे लेटर इश्यू कर दिया जाए कि सामने वाला मुझे सिर्फ 0.5% 0.1% 2% विच एवर इज एप्लीकेबल फॉर यू ये से बात करो, उतना ही टीडीएस काटेंगे वो बेस्ड अपॉन दी पावर ऑफ द सर्टिफिकेट। तो बच गए ना आपके 8% वर्किंग कैपिटल के पैसे बच गए। नहीं अवेयर थे आप, अवेयर हो जाओ, लोअर डिडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, ये हेल्प करता है आपकी वर्किंग कैपिटल के अंदर। ओके, तो अप्लाई करो और लेटर हासिल कर लो, किसके लिए, लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस के लिए, ये करना है आपको, ये आपको करना है। इनकम फ्रॉम कैश सेल, कैश सेल का क्या मतलब होता है, आप मैन्युफैक्चरर हो, सप्लाई करते हो, 45 दिनों में पेमेंट आती है। रिटेलर हो तो कैश सेल होती होती है, अगर आप होलसेलर हो, ट्रेडर हो, तो यानी कि आप सप्लाई करते हो, एक काउंटर आपका ऐसा जरूर होना चाहिए, एक काउंटर आपका आपकी अपनी फैक्ट्री में या आपका अपना एक फैक्ट्री ओन्ड रिटेल आउटलेट होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए जहां पर कैश सेल होती है। कैश सेल का मतलब ये हो गया, ये गांधी वाला कैश सेल नहीं, कैश सेल का मतलब है कि ऑन दी स्पॉट सेल, चाहे वो पेमेंट कैश से आए, चेक से आए, आरटीजीएस से आए, क्रेडिट कार्ड से आए, लेकिन पैसे इमीडिएट आने चाहिए, एक पर्टिकुलर डिविजन आपकी होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल में बहुत मदद करता है। क्यों, क्योंकि आपके ना बहुत सारे रूटीन के खर्चे हैं जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जब कैश सेल रेगुलर बेसिस पे होती है ना, कैश सेल रेगुलर बेसिस पे होती है, तो आपको ना मेरे दोस्तों क्या मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, फंड अवेलेबल हो जाते हैं, ईएमसी के पैसे तो आपके सारे खर्चे निकाल देते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस के पैसे जब आते हैं उससे आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो वर्किंग कैपिटल में एक हिस्सा इमीडिएट सेल का होना ही चाहिए, इमीडिएट सेल का होना ही चाहिए जो आपकी वर्किंग कैपिटल को स्ट्रांग बना रहा है। पॉइंट नंबर 19 क्या है, सेल्फ फाइनेंसिंग। अब वर्किंग कैपिटल में अपना पैसा कितना लगाओगे, अब डिफरेंशियल फिगर जो है, बिजनेस कर रहे हो तो अब अपना पैसा भी आपका बिजनेस मॉडल के हिसाब से लगेगा, जिसको सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं। आपने अपनी एफडी सेविंग अकाउंट में से या जैसे भी अरेंज करोगे 18 तरीके तो मैंने आपको वो बता दिए, 19 से पहले 18 तरीके, जहां से बिजनेस की वजह से ही आपको वर्किंग कैपिटल मिल गई। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो नहीं समझ आ रहा पैसे अरेंज कहां से होंगे, ये 23 तरीके हैं जो मैंने आपसे अभी तक शेयर कर चुका हूं। कितने, 23 तरीके, उसमें से 19वें की बात की है, बाकी बात कर लेते हैं, बाकी 20 21 22 23 क्या है, ये ना लिस्टेड कंपनीज के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, तभी लोग अपनी कंपनी को लिस्ट कराते हैं, लिस्टिंग कराने के बाद बिजनेस को बड़ा और स्केलेबल करने के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल मिलती है। वो 4 तरीके कौन से हैं, इशू ऑफ शेयर्स, कंपनियां लिस्ट करवा के शेयर कर रही है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी की वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल होता है, या एसेट एक्विजिशन करने के अंदर होता है। इश्यू ऑफ शेयर कौन कर रहा है, बड़ी और लिस्टेड कंपनियां कर रही हैं। तो फिर 21वां तरीका कौन सा है, पब्लिक डिपॉजिट, सुना है आपने कंपनियां पब्लिक डिपॉजिट लेती है 6% से लेके 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, उसका बड़ा इस्तेमाल कहां पे करती है, वर्किंग कैपिटल के अंदर। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर ना मनी मार्केट सिक्योरिटी पेपर होते हैं जो कि लिस्टेड कंपनियां देती हैं, डेप्ट सिक्योरिटी बोलते हैं, कहां पर इस्तेमाल करती है इसको, वो वर्किंग कैपिटल के अंदर। और डिबेंचर इशू करती हैं, डिबेंचर क्या होता है, प्रोमिसरी नोट होता है एक तरीके का, कि डिबेंचर इशू कर दिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। कई कन्वर्टिबल डिबेंचर भी होते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कई जो होते हैं आज इशू किए डिबेंचर लोन के और इंटरेस्ट पे करते रहे और जब उसका टाइम आया उसको मैच्योर कर दिए। 23rd तरीका है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो 20 इश्यू ऑफ शेयर, 21 पब्लिक डिपॉजिट, 22 कमर्शियल पेपर और 23 डिबेंचर, ये किस केस में एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनियों के अंदर। और बाकी जो नॉर्मल कंपनीज के अंदर वर्किंग कैपिटल की आपने अरेंजमेंट करनी है वहां पर क्या एप्लीकेबल है वहां पर ऑलरेडी मैंने आपको
19 तरीके बता दिए आपकी रेफरेंस के लिए, इजीनेस के लिए। एक बार इसको हम क्विकली रीड आउट कर देते हैं सो दैट कि आप अपने डायरी पे, नोट पे, दिमाग में टिक कर सके, और जो भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप वहां पर भी कमेंट में डाल देना जो आप पूछना चाहते हो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की हमने बात की, हमने बात की बिल डिस्काउंटिंग की, हमने बात की बिल डिस्काउंटिंग के अंदर एक वेबसाइट है ट्रेड्स। ट्रेड्स ट्रेड क्या है? ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग स्कीम है, यानी कि आप ना अपने आप को ट्रेड्स के ऊपर बिल डिस्काउंटिंग के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो। आपने अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी डाली, कस्टमर केयर में बात की, वहां से फोन आ गया, और 74 के आसपास एनबीएफसी कंपनियां हैं जो बढ़ के 100 प्लस हो चुकी हैं, वहां से भी आप बिल डिस्काउंटिंग की बात कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? अपने खुद के बैंक से बिल डिस्काउंटिंग की बात करना। अपने खुद के बैंक से बिल डिस्काउंटिंग करके पैसे नहीं मिल रहे तो अपने आप को ट्रेड पर रजिस्टर करवाओ और वहां से आप अपना इनवॉइस रेज करो और अमाउंट लेना स्टार्ट करो। कहां से? ट्रेड से। इसकी मैंने आपसे बात की अंडर द हेड बिल डिस्काउंटिंग के अंदर। फिर हमने बात की थी ट्रेड क्रेडिट की, अनपेड इन्वेंटरी, मर्चेंट कैश एडवांस, बिजनेस क्रेडिट कार्ड की हमने बात की। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री आप ले सकते हो डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, ज्वाइंट वेंचर पार्टनर से। इनवॉइस फैक्टरिंग की हमने बात की हमने उसके बाद क्या बात की? उसके बाद हमने बात की पैकिंग क्रेडिट की। फिर हमने बात की बैंक क्रेडिट की, टर्म लोन की, रियल एस्टेट क्रिएट करने की हम बात कर चुके हैं, कमिटी चिटफंड भी इंपॉर्टेंट है, एनबीएफसी कंपनी से टाई अप इंपॉर्टेंट है, एसेट को रीफाइनेंस करवाना, टैक्स के रिफंड की तरफ ध्यान देना, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना, इनकम फ्रॉम कैश सेल एक डिविजन होनी चाहिए, और बाकी बचा हुआ अमाउंट हम सेल्फ फाइनेंसिंग से करेंगे। लिस्टेड कंपनी में इश्यू ऑफ शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और इश्यू ऑफ डिबेंचर। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए ना, और आप मेरे से 1-to-1 भी करना चाहें, बात करना चाहें, उपासना का नंबर आपके पास है ये 9818-58-498। फोटो खींच लो, स्क्रीन सेव कर लो, आप व्हाट्सएप भेज दिया करो और बात कर लो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका रह जाता है तो। अब बात कर लेते हैं लाइव जो मेरे साथ में है वर्किंग कैपिटल के अंदर। कमल मलिक जी हैं, राहुल जी हैं, अरविंद काला जी हैं, आप सभी, और आज तो बहुत, अरे क्या बात है। तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो एक बार आप लिखो चैट बॉक्स के अंदर और ये तो बता दो आज के सेशन में वैल्यू मिली क्या। अरविंद जी, देवांशी चौटालिया जी, कमल मलिक जी, कृष्णा जी हैं, पीयूष अग्रवाल जी भी हैं, गुड मॉर्निंग, राहुल अग्रवाल जी, एस ए यादव जी, संजय जैन जी, एस एफ आर एस जी, शिवम कुमार, सुरेंद्र जैन एंड सो ऑन। ओके लाइक, थैंक यू सो मच, लाइक यू आर पार्टिसिपेटिंग एवरी सैटरडे लाइव इन द 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। अब मुझे बताओ अभी तक जो मेरी डिस्कशन हुई है, अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज करे तो मैं आपको अलाउ करता हूँ। और आज के सेशन में आपको क्या नया मिला वो आप चैट बॉक्स में बता रहे हो। कमल जी कह रहे हैं लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट न्यू टू मी, यस देखो जो TDS कटता है। राहुल जी कह रहे हैं गॉट बिग इनसाइट अबाउट क्रिएटिंग वर्किंग कैपिटल। जिंदगी में बिजनेस का जो क्रक्स है ना वो वर्किंग कैपिटल है। जिसने वर्किंग कैपिटल को सही तरीके से फाइनेंस और मैनेज कर लिया उसने तो रॉकेट लगा दिया, यानी कि मनी मेकिंग जनरेटर इंजन लगा दिया आपने। SFR जी कह रहे हैं कि क्या आप 18 नंबर पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? क्यों, बिल्कुल कर देते हैं सर, बिल्कुल कर देते हैं। 18 नंबर पॉइंट है इनकम फ्रॉम कैश सेल, यानी कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। एक बार चैट बॉक्स में लिखो आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। या हम सिंपली टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपकी फोटो नहीं आएगी, सिर्फ आवाज आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि 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 मैं आपको अभी यहां पर लेता हूं, खुल के बात हो जाए, आपका ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है तो मैंने आपको लाइव कर दिया सर। सर
सर सर सर सर अच्छा वाह 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 वाह, क्या जय राम जी की, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार सर, एकदम बहुत बढ़िया। आज तो हम जोरवादी बुद्धा में मिल रहे हैं। आइए, आप मिल रहे हैं 8:30 बजे। 8:30 बजे, यस। आपके लिए स्पेशल आया हूँ, मैं और मेरा सन दोनों आए हैं। वाह, वेलकम 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 टू दिल्ली एंड वेलकम। मेरे पास आपके 22 पॉइंट्स आई है, 23rd आई नहीं है सिंह साहब। ओके, लास्ट 22 डिपेंचर आया है मेरा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने रिजर्व खाते में रखा है, आज जोरवादी बुद्धा में दूंगा आपको। ओके, लवली लवली, चलिए ठीक है, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू एंड वेलकम एंड सी यू सून। Okay, my dear friend, thank you very much for participating today in issue of debenture. Right. Okay, got it. तो चलिए next session में लेकर आऊंगा आपके लिए। अच्छा, एक चलते चलते एक क्वेश्चन आ गया है, पॉइंट आया है, लेट अस रीड दिस पॉइंट। थैंक यू कृष्णा जी। अच्छा, अरविंद जी कह रहे हैं, जगमोहन जी, वंडरफुल सेशन टुडे, मेनी न्यू इनसाइटफुल ओपन्ड अप इन अवर माइंड फॉर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, वी आर ए सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर, वेरी गुड, स्पेशलाइज्ड इन एसएमई आईपीओ, वी कैन नेटवर्क विद अवर क्लाइंट्स। चलिए श्योर है जी, लेट्स हैव अ 1-to-1 एंड डिस्कस ऑन इट in a great manner. Thank you very much everybody for participating today. Have a great, great, amazing week ahead. Phir milte hain next Saturday with a new topic. By that, bye. Thank you.